गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास हम लोग हिस्ट्री में सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे द अर्लीस्ट सोसाइटीज़ इसमें हमने पहले मैसोलिथिक ऐज और मिडिल स्टोन एज पढ़ ली थी अब हम पढ़ेंगे न्यूलिथिक ऐज या फिर न्यू स्टोन एज जिसका काल है एट थाउजेंड बी सी से लेकर फोर थाउजेंड बी सी तक ठीक है शुरू करते हैं हम हमारे चैप्टर को द टर्म न्योलिथिक डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स न्यो मीनिंग न्यू एंड लिथोज मीनिंग स्टोन तो न्योलिथिक जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है कौन कौन से वर्ड हैं वो न्यो का मतलब होता है न्यू और लिथोस का मतलब है स्टोन यानी न्यू स्टोन दिस इज द पीरियड फॉलोइंग द मैसोलिथिक एज और मैसोलिथिक एज के बाद ये पीरियड आता है इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द स्टोन एज और स्टोन एज का ये अंतिम स्टेज है इन द न्यू स्टोन एज अर्ली मैन प्रोग्रेस स्टिल फार्दर न्यू स्टोन एज में इंसान ने और आगे प्रगति की उन्नति की हिज टूल्स बिकेम बैटर अब उसके टूल्स जो थे औजार थे और ज़्यादा अच्छे हो गए दिस पीरियड विटनेस द बिगिनिंग ऑफ़ एग्रीकल्चर इन्वेंशन ऑफ व्हील अब इस जो पीरियड के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी इस पीरियड ने बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर खेती की शुरुआत हुई इस पीरियड में इन्वेंशन ऑफ व्हील यानी पही का आविष्कार हुआ एंड मेकिंग ऑफ पॉटरी और बर्तन बनाने का कला का विकास हुआ आगे देखिए एक्सेस स्पेयर्स कुल्हाड़ियाँ फाउडे सिकल्स बोज एंड एरो ती और बाण हैव बीन फाउंड इन साइट सेट मैरागर तो ये सारे जो निशान है ये पाए गए किसी साइट्स पर पाए गए साइट्स का नाम क्या है मेहरगढ़ मेहरगढ़ है पाकिस्तान में और बुरज़ा होम बुरज़ा होम एंड गफूर कराल जम्मू एंड कश्मीर में है ये यहाँ पर भी पाए गए हैं मास्किन पिकलीहाल कर्नाटक में इन जगहों पर भी ये पाए गए हैं द टूल्स वर वेल पॉलिश और इन टूल्स को औजार के बहुत अच्छी पॉलिश की गई थी अर्ली मैन हैड ए सेटल लाइफ शुरुआती इंसान का जो जीवन था वो कैसा था सेटल्ड था बिल्कुल व्यवस्थित था यानी उन्होंने घर बनाने शुरू कर दिए थे घरों में रहना शुरू कर दिया था एंड लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स जानवरों को पालना सीख लिया था जैसे कि डॉग गोट कैरल शीप डोंकी एंड हॉर्स व डोमेस्टिकेटेड इन सारे जानवरों को ये पालतू तो बनाने शुरू कर दिया था इन्होंने एग्रीकल्चर मार्क्ड इट्स बिगिनिंग इन दिस पीरियड और इस पीरियड के अंदर खेती थी उसका बहुत बड़ा और रोल जो था वो भरकर सामने आने लग गया वेट एंड बार्ले वर् द फिक्स्ड ग्रोन सीरियल्स तो गेहूं और जौ की जो फसल थी वो फिक्स्ड फर्स्ट ग्रोन सीरियल्स थे ऐसे अनाज थे जो पहली बार उगाए गए थे मैन स्टार्टेड सेटलिंग डाउन इन विलेजेस और अब लोगों ने गांव में रहना शुरू कर दिया एज मोर ऑक्यूपेशंस बिकेम नोन और जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा उद्योग धंधों की Uh, हम बोल सकते हैं कि खोज होती गई पहचान होती गई डिविजन ऑफ लेबर स्टार्टेड तो फिर क्या होना शुरू हो गया जो मेहनत थी उसका बंटवारा वर्गीकरण होना शुरू हो गया क्लासिफिकेशन होना शुरू हो गया मैन वेंट फॉर हंटिंग वाल वुमेन लुक डाफ्टर द हाउस तो आदमी तो जो थे वो शिकार के लिए जाते थे और औरतें घर का ध्यान रखती थी इन्वेंशन ऑफ द व्हील और पहिए का आविष्कार कैसे हुआ ये भी इसी पीरियड में हुआ था दिस वॉज अ रिमार्केबल इन्वेंशन ऑफ न्योलिथिक मैन न्योलिथिक मैन का ये बहुत ही उल्लेखनीय बहुत ही फेमस हम बोल सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था आविष्कार था वी रियली डोंट नो हाउ दिस इन्वेंशन टुक प्लेस हमें बिल्कुल नहीं पता वास्तव में कि यह आविष्कार कैसे हुआ था पर है द न्योलिथिक मैन गॉट द आइडिया वाइल रोलिंग लॉग्स ऑफ वुड शायद लकड़ी के लॉग्स को गुटकों को सरकाते हुए रोल करते हुए घुमाते हुए नियोलिथिक मैन के दिमाग में आइडिया आया होगा द व्हील्ड हेल्प द मैन इन ट्रांसपोर्टेशन और जो पहिए पहिए वाली जो गाड़ियाँ थी उसने क्या किया ट्रांसपोर्टेशन में मैन की हेल्प की बहुत ज़्यादा लेटर ही मेड द पॉटर्स व्हील बाद में उसने चाक का आविष्कार कर लिया चाक जो होता है ना इससे कुम्हार गाड़ी वगैरह बनाते हैं विच वॉज वेरी यूजफुल इन मेकिंग गुड क्वालिटी पॉट्स और इससे बहुत अच्छी क्वालिटी की पोर्ट्स का बनना पॉसिबल हो गया दीज पॉट्स वर मोर ड्यूरेबल देन हैंडमेड पॉट्स और हाथ से बनाए गए बर्तनों के बजाय चाक पर बनाए गए जो बर्तन थे वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल थे यानी काफ़ी मजबूत सुंदर और टिकाऊ थे ठीक है तो ये हमने क्या पढ़ा इन्वेंशन ऑफ व्हील और जो न्यूले की एज थी या न्यू स्टोन एज थी उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने अंडरलाइन कर दिया आप उसको नोटबुक में उतारिए और फिर उसको लर्न करना है आपको ठीक है ये आपके क्वेश्चन आंसर में बहुत काम आएगा तो अगला जो अपनी नेक्स्ट uh, टॉपिक है केस स्टडी है वो किस जगह का भीम का भीम का नाम की जगह है यहाँ पर ये यह मध्य प्रदेश में है ठीक है इसकी केस स्टडी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे आप लोग लर्न करिए इसको तो मिलते हैं अगली क्लास में बाय एवरीवन